नाम बोलो नाम। मेरा नाम प्रभजोत सिंह है। तो लंगर में है मूंगी की दाल, चावल, आलू गोभी, सोयाबीन की सब्जी। ये है पाकिस्तान और ये हम जीरो लाइन इंडिया में एंटर करते हुए। ये पार्क में देख रहे हो खंडा कितना ही प्यारा लग रहा है। वहाँ भी जाएंगे, अभी वहाँ भी जाएंगे, बहुत दूर है। यहाँ से देखो असलियत में पता लग रहा है कितना बड़ा गुरुद्वारा है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना वहाँ तक गुरुद्वारा ही गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा है और ये यहाँ पर है खूह साहिब, कुआं जिसे कुआं कहते हैं, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कुआं कहेंगे। गुरु नानक देव जी के यहाँ पर ना आसपास सारे खेत होते थे, तो इसी कुएं से वो पानी निकाल के खेतों में पानी देते थे। अपनी ये अभी तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया होगा ना उन्होंने, अपनी मतलब सिख कौम को एक मैसेज दिया था किरत कमाई का, खुद किरत करके कमाई करनी है, तो वो खुद यहाँ से खुद पानी निकाल के मतलब खुद मेहनत करना, एक तरह से शुद्ध हिंदी में खुद मेहनत करना, तो खुद यहाँ से पानी निकाल के अपने खेतों में पानी देते थे। जितनी आसपास ये जगह है ना ये सारे उनके खेत होते थे। और अभी आपको एक बहुत ही तगड़ी चीज दिखाने वाला हूँ। ए बम भारतीय हवाई सेना ने गुरुद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर साहब नू नष्ट करने लई सुटिया सी। बाबा जी दी खास रहमत सदका ए गोला श्री खूह साहब कुएं के अपने पवित्र गोद विच ले लिया सी, कुएं के पवित्र गोद में आ गया था अते गुरुद्वारा समाध मजार साहब जी नू नष्ट होने तो बचा लिया सी। मतलब ये बम आया था हिंदुस्तान से यहाँ पर और ये कुएं में गिरा था, फटा नहीं था, ये आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुएं से निकाला कुछ पड़े ही हुआ, मैंने लाइफ में पहली बार वो वाला बम नहीं है, तोप वाला, ये हाथ से फेंकने वाला, ये एरोप्लेन से फेंका हुआ वाला। अभी हमारा आगे का प्लान लंगर खाने का, लंगर हॉल का है वीर जी। तो ये कुआ है और यहाँ पर सारी मशीन्स लगी हुई है, कुएं को पानी को प्यूरिफाई करके लंदन कनाडा बाहर जाया जाता है और लंगर हॉल में मिलता है पीने के लिए। तो ये सारी की सारी एग्जीबिशन हॉल है। यार ये पिक्चर देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। जितनी पेंटिंग आप देख रहे हैं ना सारी की सारी हाथ से बनाई हुई है और वो वाली तो भाई मेरे को बेस्ट लगी। इंडिया के गुरुद्वारों का तो बहुत लंगर खाया है, आज पाकिस्तान के गुरुद्वारे का लंगर खाएंगे, किस्मत। लंगर में है मूंगी की दाल, चावल, आलू गोभी, सोयाबीन की सब्जी और पराठा। ये बुरखी बच्चा जगह नाम ये बुरखी सन्नी भैया के नाम की, सन्नी भैया आए नहीं उनके नाम की बुरखी खा ली हमने। और ये हमारे सब्सक्राइबर, कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? सिंध से। सिंध से कहाँ से? सिंध लारकाना से। ओके ओके, हमें हमसे ये नाम बोले नहीं जाते बिकॉज हमारे लिए ये नाम नया है, लेकिन सब्सक्राइबर मिलते हैं ना अच्छा सा लगता है यहाँ पर। तो ये यहाँ की किचन है, कितनी साफ सुथरी, कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, सारा लंगर यहीं पर बनता है। और सोनू भैया आपको चुपके से बताऊं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मीठे चावल पैक करा रहे हैं, मीठे चावल पैक करा रहे हैं, मीठे चावल काट वाले वास्ते बाबे नाना का लंगर लगे। तो जितने लोग भी पाकिस्तान साइड से उनका विजिटर कार्ड ऐसा है और हमारा ये कुछ येलो कलर का, और ये भाईजान से मिले, बहुत सारी बातें करी, अच्छा लगा। और ये भी कहाँ से, आपका ननिहाल कहाँ से है? जलंधर से। जलंधर से बहुत बढ़िया लगा। होशियारपुर से। होशियारपुर से। एक चीज़ आपको और बताऊं, ये जो गुरुद्वारा बना हुआ है 42.5 एकड़ में 365 से भी कम दिन में ये बनाया गया, मतलब एक साल से भी कम दिन में, मतलब इतनी बड़ी जगह सोचने वाली बात है। 3 एकड़ से 42 एकड़ को किया गया है सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। 24 घंटे काम चलता था, 3 शिफ्ट में काम चलता था, 8, 8, 16, 8, 24, और 3000 लेबर ने काम किया कंटिन्यू। बहुत बढ़िया चीज़। और पीछे ये खंडा देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये यहाँ का जोड़ा घर है, अभी यहाँ पर
सेवा करने वाले बंदे कम है, बिकॉज संगत बहुत कम आ रही थी इस साइड से। उस साइड तो काफ़ी आ रही है पाकिस्तान से, इंडिया की साइड से बहुत कम आ रही थी। ये मेरे 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 बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंडिया साइड वालों के लिए है जोड़ा। हाँ तभी तो संगत कम है ना। आपको एक चीज और बता दूं, एक दस यहाँ का और दिल्ली का पौने दो इंडिया का। जो पाकिस्तान है इंडिया से आधा घंटा पीछे है और अभी वापसी की ओर निकल पड़े हैं। वैसे हमारा सीन क्या था, अगर वो भी आते सन्नी बिहारी और उनके डैड तो हम निकलते 5-6 बजे, लेकिन अभी वो नहीं है तो हमने फटाफट से सारी चीज़ें कवर करी और अब निकल रहे वापसी की ओर। तो ये भी बता रहे थे ये जो दरवाजे हैं ना, ये 2 साल बाद आज खोले हैं। मतलब 2 साल से दरवाजे ही बंद थे, लॉक लगा हुआ था। हम लोगों के लिए खुले, लेकिन आगे भी अब खुले रहेंगे। हम भी बाबा जी से ही प्रे करेंगे कि आगे भी खुले ही रहें। ये रही हमारी बस जो हमें इंडिया वापसी लेके जाएगी। बस एक छोटा सा अफसोस है, हम यहाँ की मार्केट नहीं घूम पाए बिकॉज मार्केट क्लोज थी। इनको खुद को नहीं पता था आज खोल दिया जाएगा, इनको रात को 12 बजे ऑर्डर मिले कि आज बंदे आ रहे हैं। मार्केट वाला किसी को नहीं पता था, इस वजह से सारी मार्केट बंद थी। कोई दिक्कत नहीं है, महीने बाद फिर आ जाएंगे मार्केट घूमने के लिए। चले भैया, ये जितनी भी खेती देख रहे हो ना सारी आलू की है। हमारा पासपोर्ट। चलो रोको, मेरे को आगे बैठने दो, आगे बैठ जाओ ना। अरे कह रहे बैठो, अगर मैं बोलूं मेरे को चला रहे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमने शॉपिंग करने के लिए नोट लिए थे वो सारे वापसी कर दो, मतलब हमने भी कर दिए हैं। आंटी कर रही है, आंटी ने 5-6 लाख रुपए ले लिए थे सूट खरीदने के लिए। आंटी असरी नहीं कह रहे, नहीं कह रहे, 9 इतने नहीं लिए थे, कम बोलो 4-5। आ जाओ। ये है पाकिस्तान और ये हम 0 लाइन इंडिया में एंटर करते हुए 0 लाइन। वेलकम टू इंडिया अगेन। तो यहाँ रुके थे एक दो फोटो क्लिक कराने के लिए, भैया से रिक्वेस्ट करी कि रोक दो, भैया ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आए हो तो सारे काम करके जाओ, कुछ छूटे ना। बस एक सपना रह गया, मैंने भैया को बोला गाड़ी चलाने दो, कह रहे अगली बार आओगे तब पक्का इंशाल्लाह। जैसे ही रोकेंगे स्टीयरिंग में स्टीयरिंग में बैठ जाइए। चलो भैया आ गई अपनी गाड़ी। वेलकम टू इंडिया, इंडिया से स्पेशल पाजी आया हमें लेने के लिए। लिफ्ट ले ले। भाई सब लिफ्ट दे दो, वैसे दरवाजा सामने ही है बाहर निकलने का। मेरा नाम प्रभजोत सिंह। बहुत वधिया लगे। करतारपुर कॉरिडोर से लगातार श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। पहला ये जत्था था जिसमें ये तमाम लोग गए थे। हमारे साथ प्रभजोत सिंह है जो कि दिल्ली से हैं और दर्शन करके आए हैं। प्रभजोत जी, आप दर्शन करने गए थे, आपने परमिशन के लिए सीधा भारत सरकार से बात की थी, परमिशन दी गई, तो आप मानते हैं भारत सरकार का सही फैसला है, आप जैसे श्रद्धालु जाना चाहते हैं दर्शन करने? बिल्कुल, ये भारत सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। पिछले 2 साल से जब ये बंद था, बहुत से श्रद्धालु जो गुरुद्वारे के दर्शन करना चाहते थे वो अपने घर में बिल्कुल मायूस बैठे हुए थे। रवैया बहुत वधिया, मतलब ऐ सोच के नहीं गए सी अप्पा कि एवं सम्मानित करेंगे, ये रवैया इन्ना वधिया रहेगा। बहुत वधिया, मतलब लगे नहीं कि अप्पा किसी और कंट्री घूम रहे हैं। जिदा इंडिया की उत्तर संगत जा रही है, उदा ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी उत्तर, पाकिस्तान की संगत बहुत ज्यादा आई हुई सी। आज घट तो घट 500 तो उत्ते बंदे आ गए थे। और आप पर्सनली कैसा फील हुआ कि इतने देर बाद खुला? पर्सनली मैं बता नहीं सकता, सुबह तक तो मेरे को अच्छा लग रहा था कि हाँ गुरुद्वारे का दर्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से सम्मानित किया, सारा प्रोसीजर हुआ स्मूथली, दर्शन करके हम वापसी आ गए, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगा। इस
ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੀਟੀਆਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲ 5 ਸੇ 6 ਲੋਕ ਆਜ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਤੰਕ ਮਚ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਇਨ ਲੋਕ ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿਆ ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੰਭਾਲਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਆਜ ਹਮ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮੈਂ ਆਏ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਭਈਆ ਜਗ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੋ ਕਿ ਆਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੀ ਆਜ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਏ ਥੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਆਏ ਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਉਨਕੋ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬਨ 4:40 ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਲਗੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कैसा सब कुछ अंदर रहा देखो एक्सपीरियंस उनके साथ तो शेयर करा लेकिन सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है आपके साथ भी शेयर करूं हम पाकिस्तान हो के आए बिल्कुल मेरे को फील ही नहीं आया कि भाई पाकिस्तान हो के आए अंदर के बंदे इतने भाई कहते ना नर्म ऐसे मैंने एक बंदे से पूछा था कि मेरे को लंगर हॉल बता दो कहाँ पर है वो बंदा मेरे साथ लंगर हॉल तक गया जब तक मैंने लंगर छक नहीं लिया वो बंदा वहाँ से गया नहीं और बहुत सही सही एक्सपीरियंस वहाँ के बंदे देख रहे कि इंडिया से आए हमारे पास आ रहे फ़ोटो खिंचवाने के लिए इवन वो मेरे को जानते भी नहीं थे कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ क्या हूँ इंडिया से आए एक सेल्फी खिंचवा लो हमने सेल्फी खिंचाई जोन जोन से बंदे हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे ना इवन हमसे ये भी पूछे थे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ पूछना चाहते हो कुछ बात करना चाहते हो मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ना एक चीज़ आपको और बताता हूँ जो मैंने अभी तक व्लॉग में बताई नहीं देखो वो तो गेट है जहाँ से हम लोग गए थे एक ये रास्ता आप देख रहे हो ये रास्ता बिल्कुल कॉर्नर तक जाता है और मैंने सुना वहाँ पर दूरबीन लगी हुई है जिन बंदे के पास पासपोर्ट नहीं है और एंट्री नहीं मिलती रजिस्ट्रेशन नहीं होती वो दर्शन करना चाहते तो वो इस रास्ते से जाते सीधा दूरबीन से दर्शन करते और वहाँ से वैसे भी गुरुद्वारा भी दिखता है और यहाँ से भी दर्शन होते हैं जिनकी एंट्री मेन गेट से नहीं हो पाती तो अभी निकल गए वापसी घर की ओर और मतलब जितना अच्छा लग रहा है ना मेरे को कि भाई इतने खुले दर्शन हुए इतनी मीडिया आई उन्होंने कवर करा मतलब सब कुछ कहते हैं ना A1 पे चल रहा है लेकिन उतना ही अफसोस भी हो रहा है कि सन्नी भैया नहीं जा पाए लेकिन सन्नी भैया पहले गए हुए पहले गए होने एक बार लेकिन सन्नी भैया के डैडी पिछली बार भी आए थे तब भी नहीं जा पाए इस बार भी आए तब भी नहीं जा पाए अभी इनके साथ सीन क्या हुआ जब हमने पेपर अप्लाई करे ना एक तो इनके पेपर 1.5 घंटे बाद अप्लाई करे बिकॉज ये कहीं फंसे हुए थे अपना पासपोर्ट हमें भेज नहीं पाए अप्लाई कर नहीं पाए चलो अप्लाई हो गया वहाँ से परमिशन भी आ गई इन्होंने कोविड की जो रिपोर्ट होती है ना जो टेस्ट करवाते हैं RCPTR वो थोड़ा लेट करवाया यहाँ पहुँचते पहुँचते वो भी आ गया पहले उसका बारकोड स्कैन नहीं हो रहा मतलब वो शुरुआत से कहते हैं ना दिक्कतें आ रही थी कि हाँ भाई थाने में लिखा नहीं था ना हाँ वो होता ना कि जिसकी किस्मत में नहीं लिखा तो वो शुरुआत से ऐसा ही हो रहा था पहले पासपोर्ट नहीं आया हमारे पास से उसके बाद कोविड की रिपोर्ट में दिक्कत आ गई फिर स्कैन नहीं हो रहा था वहाँ पर फिर कोई टेक्निकल एरर आ गई जिसकी वजह से इन्हें मना ही कर दिया कि भाई इस बार तो नहीं जा पाओगे अब दोबारा फॉर्म भर के आओ कल का डेट मिलती है परसों की मिलती है 10 दिन के बाद की मिलती है वो बाद में देखेंगे तो फिर ये बाहर ही रुके हुए थे लेकिन ये अच्छी बात है कि ये पहले गए हुए इन्होंने दर्शन करे हुए हैं फैमिली को लेके जाएंगे अब अपन सारे के सारे अपनी अपनी फैमिली लेके आएंगे 4-5 गाड़ी भर के या ट्रक भर के या बस भर के उसके बाद दोबारा दर्शन करेंगे बाकी ठीक है होप करते हैं आपको भी आज की वीडियो ये कंटेंट कुछ अलग था कुछ ना कुछ अलग करने का ट्राई करते हैं मतलब ट्राई क्या किया इसमें दर्शन करने का मन था अपने साथ साथ आपको भी करवा दिए होप करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे और काफ़ी बंदों ने हमें मीडिया में भी देखा होगा जी न्यूज़ मतलब ऐसा इंडिया का कोई न्यूज़ चैनल नहीं था जो बाहर खड़ा हुआ था और सब पे उन्होंने इंटरव्यू लिया बिकॉज आज सिर्फ 5 से 6 ही बंदे थे जो अंदर दर्शन करके आए हैं मतलब कहते ना अभी अपन यहाँ फील कर रहे हैं बहुत हवा में क्यों भाई बिल्कुल मतलब अभी सबको नींदे आ रही थी अभी नींदे उड़ी पड़ी हैं खुशी तो अभी हमें एक छोटी सी टपरी दिखी चाय पीने का बहुत मन हो रहा था सुबह से हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया आगे कुछ खाने पीने की लोकेशन आएगी तो वहाँ खाएंगे चाय पीने का मन था सबसे पहले तो यहाँ चाय पियेंगे ये देखा बच्चा जो देखा चेयर से भाई चेयर नीचे देख भैया गुड्डे का बिस्किट है क्या हाँ देना है कि यार ब्लू वाला चाहिए अभी खाली चाय पिए तो गाड़ी में खाने के लिए कुछ स्नैक्स भी ले लिए तो अभी आपने लास्ट में जो अमृतसर का गेट देखा आप सोचोगे ये तो घर को निकल गए थे अमृतसर का गेट कहाँ से आगे बीच में अब हम जा रहे हैं अमृतसर की तरफ सनी भैया को कॉल आ गया कि इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए तो कल इनको दर्शन हो सकते हैं तो हमने बोला हमें अमृतसर छोड़ दो हम थोड़ा यहाँ पर घूम लेंगे कोशिश करेंगे सुबह अमृतसर के दर्शन भी कर लेंगे आप वहाँ के दर्शन करके आओ 1-2 बजे तक ये आ जाएंगे फिर हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए देखो डॉक्यूमेंट्स आ गए तो रुकना बनता अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं आते तो फिर हम घर को निकल जाते हैं वो तो शुक्र रास्ते में आ गए अभी 60-70 किलोमीटर चले थे तो अभी वापसी जा रहे हैं अमृतसर की तरफ कहाँ रुकेंगे लॉरेंस रोड लॉरेंस
होम स्वीट होम। पिछली बार जब हम कश्मीर से अमृतसर आए थे ना, यहीं पे रुके थे लंगड़े मामू के साथ, जब लंगड़े मामू को लगी हुई थी, और आज भी यहीं आके रुके हैं। हाँ, लाइटें वाइटें जला दो यार, मैं वीडियो भी एंड कर दूँ। मेरे को आज कसम से बहुत तगड़ी नींद, मुझे नहीं पता वीडियो कितनी बनी है, छोटी बनी है, बड़ी बनी है, अभी ठीक है। होप करते हैं आपको ये वाली वीडियो में मज़ा आया होगा। देखो मेरे को तो बहुत मज़ा आया, जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो गया। ये तो पता था दर्शन होने, लेकिन इतने अच्छे तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से स्वागत हुआ। तो ठीक है, अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। कोई और लाइक करते हो नहीं करते, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसी किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।